फ्रेंड्स, रेसिपीज मेड इजी बाय साधना और साधना जोमन्स रेसिपीज में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे ड्रमस्टिक या सहजन फली की सब्जी। सहजन फली की सब्जी हमारे सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। उसमें कैल्शियम, प्रोटीन और आयरन रहता है। ड्रमस्टिक या सहजन की फली की सब्जी बनाने के लिए आवश्यक सामग्री, यहाँ पे मैंने 200 ग्राम सहजन की फली ली है, उसे अच्छे से क्लीन करके रखा है, उसके ऊपर के छिलके निकाल लिए हैं। एक पैच मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ, 4 चम्मच रोस्टेड मूंगफली के दाने का कूट दरदरा ग्राइंड करके लिया है, 5 बड़े चम्मच कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल, 7-8 लहसुन की कलियां, 1 इंच अदरक ग्राइंड करके लिया है, 3 चम्मच रोस्टेड बेसन, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा, हींग, स्वाद के अनुसार नमक और 5 करी लीव्स। 1.5 ग्लास पानी मैंने कढ़ाई में गरम कर लिया है, उसको उबाल आ गया है। स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। अब उसमें ड्रमस्टिक ऐड करेंगे। उसे ढककर पकाएंगे। पांच मिनट हो चुके हैं। पक चुकी है सहजन की फली, निकाल लेते हैं। कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच तेल गरम कर लिया है। अब उसमें ऐड करेंगे जीरा, बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे, और करी लीव्स भी डालेंगे। प्याज का कलर चेंज होने तक हम उसे भून लेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और उसके पास वाले बेल के आइकॉन को दबाइएगा, ताकि मेरी नई आने वाली रेसिपीज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। पैच का कलर चेंज हो चुका है। अब उसमें ग्राइंड किया हुआ सूखा नारियल, अदरक और लहसुन डालेंगे। 2 मिनट धीमे आंच पे उसे भून लेंगे। 2 मिनट तक लहसुन, सूखे नारियल और अदरक को अच्छे से भून लिया है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब उसमें हींग ऐड करेंगे, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला। सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सभी को अच्छे से मिक्स कर लिया। रोस्टेड बेसन ऐड करेंगे, इसके साथ बाजरे का आटा भी रोस्ट करके डाल सकते हैं। 1 चम्मच और 1 चम्मच बेसन, बहुत अच्छी टेस्ट आती है। एक मिनट तक भून लेंगे। सभी को तेल छूटने तक भून लिया है। अब उसमें ड्रमस्टिक डालेंगे स्टॉक के साथ। इसके स्टॉक से बहुत अच्छी टेस्ट आती है। थोड़ा पानी और डालेंगे, गर्म पानी डालेंगे। पानी हम कंसिस्टेंसी देख के डालेंगे। स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। नमक हमने पहले भी डाला था, इसलिए थोड़ा नमक डालेंगे सहजन की फली को उबालते वक्त।
5 मिनट ढककर पकाएंगे धीमी आंच पे। 5 मिनट हो चुके हैं। अब उसमें हम रोस्टेड मूंगफली के दाने का कोट ऐड करेंगे। पाँच मिनट तक उसे ऐसे ही पकने देंगे। हो गई हमारी गर्मा गर्म ड्रमस्टिक की सब्जी तैयार। अब देख सकते हैं उसका टेक्सचर, कंसिस्टेंसी। सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। आप इसे जरूर ट्राई कीजिए। आप इसे रोटी, चपाती या चावल के साथ खा सकते हैं। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।